हम तो शुरू से नवाज शरीफ के साथ ही। वो नवाज को आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को? उनकी तो सारी जो क्यादत छोड़ के जा रही है। वो अकेले ही काफी है इनके लिए। अकेला काफी है? कैसे बताए ना, वो कैसे? पाकिस्तान में एक ही बंदा है जो कामयाब होता है, जो अकेला रह जाएगा वही कामयाब होगा। गधे को भी खड़ा कर देगा ना तो वो भी जीतेगा। वो कदा ही रहेगा, पता चलेगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? भाई हैं वो दोनों। आप दोनों भाई हैं? रो मरार रो। क्या रो मरार रो? उसी क्या कह रही आई रे, तब्दीली आई रे। आप सगे भाई हैं? पीटी आई रे। आप क्यों देना चाह रहे हैं नूली को वोट? नूली से उन्होंने काम किए हैं। वोट देंगे ना चोरों को, वोट देंगे गोमरान को। मुक गया तेरा शो साल में किया क्या नवासी चोर फ्रांटी? वो पैसे मैं वापस लाऊंगा। कहाँ गए ऐसे पकड़ा रहे जने? चल अग चल लग अग तरूंद ही लै गए। छे महीने तो डॉक्टर की लत सही नहीं कर सके, और दो दिन जो लत सही करती उन्हें। वो गलत होता ना तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाता, जैसे नवाज शरीफ गया। मैं कहता हूँ आप छोड़े, जो बंदा जेल जाने से डरता है क्यों यार मैनू मार देंगे, यारो लीडर बन। पंजाबी च कहंदियां अपनियां कीतियां भर रहे हैं, पर ये लोग देखे अभी तक इनका इतना हौसला नहीं है ये कह सके कि ये गलत हुआ है। वोट देंगे इमरान खान जिंदाबाद। वो चोर है, सबसे बड़ा चोर है, उन्होंने लोगों के दिल चुराए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क़ियादत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रही है। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह क़ियादत छोड़ के जा रही है तो आवाम से भी जानते हैं कि जो उनका आम वोटर और सपोर्टर था वो कहाँ पर खड़ा है। आज इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर चंद रोज़ में ही इलेक्शंस हों तो वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर भाई क्या खा रहे हैं? लड्डू पीठी खा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएँ कि अगर आज ही इलेक्शन हों तो किसको वोट देंगे? नूली को वोट देंगे। इसी वजह? इसकी वजह ये है कि वो लोग काम करते हैं, अगर करप्शन करते भी हैं तो काम तो करते हैं ना। हमारे लिए सड़कें बना रहे हैं और भी बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ ने भी, तो इसकी वजह से। आपका कहना ये है कि अगर करप्शन करते भी हैं तो काम भी करते हैं? बिल्कुल। किसको वोट देंगे? हम तो शुरू से नवाज शरीफ के साथ ही। नवाज शरीफ सारे लड्डू पीटी वाले नवाज शरीफ? हाँ जी। अच्छा क्या वजह उसकी? वो नवाज को। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को? उनकी तो सारी जो क्यादत छोड़ के जा रही है। वो अकेला ही काफी है इनके लिए। अकेला काफी है? वो कैसे बताए ना, वो कैसे? पाकिस्तान में एक ही बंदा है जो कामयाब होता है एवरी टाइम। सब जो अकेला रह जाएगा वही कामयाब होगा, जो अकेला रह जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इलेक्शन खुद ही जीतेगा भाई जान, जिसको वो टिकट देगा वही जीतेगा। गधे को लेने वाला ही कोई नहीं। गधे को भी खड़ा कर देगा ना तो वो भी जीतेगा। वो कदा ही रहेगा, पता चलेगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? भाई हैं वो दोनों। आप दोनों भाई हैं? रो मरार रो। क्या रो मरार रो? उसी क्या कह रही आई रे, तब्दीली आई रे। आप सगे भाई हैं? पीटी आई रे। सगे भाई हैं? नहीं नहीं दोस्त हैं, हम इकट्ठे बनाए। यार इतना डिफरेंस, आप क्यों देना चाह रहे हैं नूली को वोट? नूली से उन्होंने काम किए हैं। वोट देंगे ना चोरों को, वोट देंगे गोमरान को। मुक गया तेरा शो ठीक है खाने तो। अभी अभी क्या कहते हैं ये बड़ा एक ना मजेदार सिनेरियो बन गया। अभी खान साहब पे बड़ा मुश्किल हो रहा है और 9 मई के वाकयात के बाद तो क्यादत भी नहीं साथ खड़ी हो रही सर। उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं होना। 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है मुझे एक बात बता दें, आपको पकड़ती हैं 9 मई के वाकया की वजह से, ठीक है? अदालत आपको छोड़ती है फिर आपको पकड़ लेते हैं, अदालत छोड़ती है फिर पकड़ते हैं, अदालत छोड़ती है फिर पकड़ते हैं, मगर जब वो पीटीए छोड़ता है फिर आपको छोड़ देते हैं। क्या वजह? क्या वजह आप बताएं ना। अच्छा आप अपने दोस्त को नहीं कन्विंस कर सकते?
आप दे देंगे इमरान खान को वोट? इधर आए ना, इधर सवाल ही नहीं पैदा। आप इनको मनाएंगे, नून लीग को वोट दे दे। सबका अपना अपना जहन है, सबका अपना अपना जहन जो जिसको, लेकिन इमरान खान जो है ना अब दोबारा नहीं आएगा, नहीं आता, सवाल ही नहीं पैदा होगा इंशाल्लाह। करी चोर, पेन चोर, क्लीन चोर, कोशाना चोर। अच्छा मुझे ये बता दें, 70 साल से कौन लूट रहा है? ये क्या कह रहे हैं? इमरान खान लूट रहा है। 4 साल में कितना लूट लिया उसने, क्या किया? चार साल में खत्म नहीं हो सकता? 4 साल में उसने किया क्या है? कोई बात खत्म नहीं हो सकता 70 साल का गंद? 4 साल में किया क्या है? नवाजी चोर फ्रांटी, वो पैसे मैं वापस लाऊंगा। कहाँ गए? कहाँ लेके आए? अपने टिड्डी पा ली तेने, एक को पीनी ला लैन दिए। चले ये गलत बात है, उनकी अहली है। चले चलो ठीक है, वो ईमानदार आदमी है। बताएं जरा, बताएं आप इंशाल्लाह कैसे कैसे बताएं ना, ये जो अभी वो अलकादर ट्रस्ट जो उन्होंने किया है, वो क्या किया? क्या किया बताएं? अलकादर ट्रस्ट क्या किया बताओ? पैसे अंदर किए हैं अपने, अंदर अंदर किए हैं। हां ऐसे पकड़ा रहे जने, चल अग चल अग अग तरुंदे ही लै गए ओ एने 6 महीने तो डॉक्टर दी लत सही नहीं कर सके, और 2 दिन जो लत सही करती उन्हें दोस्ती रिश्तेदारी खराब ना नहीं होती भाई, नहीं होती। ये मामूल की बात है, रोज इस तरह की बात। इस तरह तो इनकी दुकान है इधर दिल्ली के लैसों वाली दुकान, 3-4 बजे इकट्ठे होते हैं, बस यही बहस होती है। इस तरह की बहस रोज होती है, डेली डेली। आप दोनों में से एक भी किसी को कन्विंस नहीं कर पाया? नहीं आप ही नहीं कन्विंस कर ले। मैं पहले हमारी पार्टी पीपल पार्टी थी, पीपल पार्टी थी शुरू से, मगर जब मैंने इनकी स्पीच सुनी ना इमरान खान की, तो चोरों को इकट्ठे होते देखा, तो मैंने कहा एक ही बंदा इनके लिए काफी, 14 जमातें एक तरफ और एक बंदा एक तरफ। सर इनको जवाब दें आप, 14 जमातें एक तरफ, अगर अगर वो गलत होता ना तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाता जैसे नवाशी गया। ये क्या? और उसको कह रहे हैं कि भाग जा, वो कहते हैं मैंने भागना नहीं है, मैंने इधर खड़ा रहना है। ठीक है ना, ये इनके सवालों का जवाब दें ना। जी जी बताएं जी, क्या जो 14 जमातों का जो फकीर होता है ना, इंटरनेशनल फकीर, वो ऐसे ही रहता है, वो भावे 10 बंदे कोई मांग ले मुझे दे दो अल्लाह के नाम। बैगर असी बैगर है इंटरनेशनल फकीर, उसने उसने आवाम को इमरान खान साहब बाहर भी नहीं जा रहे, वो जाना ही भी नहीं, उसने उसको बाहर कौन ले जाएगा? यहाँ तो पाकिस्तानी साहब उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, वहाँ किसने बर्दाश्त करना? नहीं कोई नहीं करता, वो एजेंट है। उसके बेटे बर्दाश्त कर, उसका तो इतना बेटे, दो बेटे हैं ना, वो बरतानिया नहीं जा सकते। दसो क्या हुआ है? बता दें भाई साहब, कह रहे हैं इनके कान में क्या बता रहे थे? मैं यही बता रहा था भाई साहब, कह रहे हैं कि वो देखे पाकिस्तान में रह रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा, वो बरतानिया जा नहीं सकता, अमरीका वो नहीं जा सकता। क्या हो गया? वो बरतानिया में अदालत के अंदर वो अपनी बेटी का केस हारा है, उसे जुर्माना हुआ है। अच्छा, जो क्या नाम है उसका, लियाना कैसे करके कोई, ट्रिनिया, उसे बरतानिया घूम, नाम है ट्रिनिया। नहीं आप उसका नाम चलो कोई भी ट्रेस कर ले, सीता वैट की जो बेटी है, मगर वो बरतानिया नहीं जा सकता। अच्छा, अब वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता। ये भाग रहे हैं, ये भाईजान का जवाब है बस। सर ये कह रहे हैं वो जाना भी चाहे नहीं जा सकता, ये बेटी वो कह रहे हैं कि ईसीएल में फिर क्यों नाम डाला? मैं कहता हूँ आप छोड़े, जो बंदा जेल जाने से डरता है क्यों यार मैनू मार देंगे, यार वो लीडर मान राणा सनावला, राणा सनावला इतना अच्छा आदमी नहीं था उसने कितने, मैं आपके अच्छों के भी बताता हूँ। देखो यो सियासत नहीं चंगा होएगा, वो बंदे ने इन्होंने 16 किलो हीरोइन पाई, वो बंदे ने जेल कटी नजायज, बिल्कुल इंज मरे ने जेल तो जिम्मे डरते ने। अभी आपने जैसे बताया कि राणा सनाउल्ला ने नजायज जेल काटी, ठीक है, ये लोग जायज काट रहे हैं, नजायज काट रहे हैं, ये अपनी पंजाबी च कहंदियां अपनी कीतियां भर रहे ने, जायज भर रहे ने, नजायज भर रहे ने। पर ये लोग देखे अभी तक इनका इतना हौसला नहीं है ये कह सके कि ये गलत हुआ है। अच्छा चले और भी लोगों से बात, आप किसको वोट देंगे? मैं किसी को भी नहीं देता हूँ भाई, सब के सब इकट्ठे जो है। आप किसको वोट देंगे? मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे का कोई मिल ही नहीं रहा लीडर जो ईमान का हो। किसे मिलने? हमारे को ढूंढना पड़ेगा ना। आप कहते हैं, कोई कहता है इमरान खान ठीक है, कोई कहता है नवाज शरीफ चोर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पुलिस आ गई है तो कोई बात नहीं, ऐसी बात आप कर रहे हैं, हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। हम किसको वोट देंगे? मैं अगर वोट दूंगा भी ना तो मैं जमात इस्लामी को दूंगा। क्यों? हमारा मुल्क जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है।
हमें पता ही नहीं है कि हमारा दीन क्या कह रहा है, हम सिर्फ पीपल ये पार्टियों के पीछे भाग रहे हैं। आप इसको वोट देंगे? लबे या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह। भाई को आप इसको वोट देंगे? इमरान खान जिंदाबाद, वो चोर है, सबसे बड़ा चोर है, उन्होंने लोगों के दिल चुराए हुए हैं इंशाल्लाह तारा। वो बड़ा वड्डा चोर है, उन्होंने लोगों ने दिल चुराए ने, तो इंशाल्लाह ताला 20 साल बाद भी आएगा, हिल आएगा। करीदा की करना ये शेरे बब्बर तोड़ा की करना, जरा बाहर बैठा दवाई लैन गया है, है? वो वापस नहीं आया हाली तक, उन्होंने भी चले आया। मैं प्ले बॉय आया, प्ले बॉय तो कोदी आप प्ले बॉय और ये प्लेटा ही फेल ने, किरो प्लेटा सही होनी होनी है। इसकी प्लेट और नवाज शरीफ की, जिन्हें प्लेटा सही नहीं होती खलोता है वो बाहर नहीं जाता। नाज़रीन मिला जुला रिएक्शन है यहाँ पे आवाम का, और भी आगे जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। किसे वोट देंगे? मुस्लिम लीग को, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को? हाँ जी। क्या वजह? भाई हमारा शुरू से वही काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो अब देख रहे हैं ना सफाई, इधर सफाई नहीं थी, मुस्लिम लीग ने कराई है। मुस्लिम लीग नून नून उन्होंने कराई है, शहबाज शरीफ ने कराई है। हम शहबाज तो आप बार कह रहे हैं महंगाई बहुत होगी, महंगाई देखो मेरी बात सुनो, वक्त के हिसाब से महंगाई नहीं है, हमने खुद लोगों ने महंगाई की हुई है। एक सौदा है ना, हम जूता कितने का भेज रहे हैं? ये 350 का, इसमें कोई महंगाई नहीं हुई? नहीं, 300 का आ रहा है, 350 का बेच रहे हैं, हम 50 रुपये कमा रहे हैं, 4-10-12 बेचते हैं, फिर जाकर 500-600 रुपये की तैयारी बनती है। लेकिन आपको लग रहा है महंगाई नहीं है? ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई हमने लोगों ने खुद की हुई है। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ आपको हुकूमत कहती है कि ये रेट पर दो, वो जब ले आते हैं उनका रेट ही कोई नहीं है। किसे वोट देंगे? जो हक व इंसाफ की बात करेगा और जो मतलब पाकिस्तान की तरक्की में खुश कुछ किरदार अदा करेगा। कौन है वो जी? कौन है, किसको समझते हैं आप? सभी कहते हैं सभी अच्छे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा किसको वोट दें, सभी कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में आखिरी वोट किसको दिया था? आखिरी वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को। अगला किसको देंगे? अगले का कोई डिसीजन नहीं हो रहा अभी, क्योंकि ये मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, कारोबार है ही नहीं, महंगाई तो महंगाई होती जा रही है। वोट किसको देंगे? वोट देना ज़रूरी है? नहीं देंगे? हाँ नहीं नहीं, वोट देना ज़रूरी है, बाकी उससे फैसला होता है, लेकिन साढ़ा वोट तो होता ही मुस्लिम लीग का। केरी मुस्लिम लीग? हाँ नू मुस्लिम लीग, नू मुस्लिम लीग नू नू। इलेक्शन होंगे तो तुसी मुस्लिम लीग नू वोट दे इंशाल्लाह। की वजह? ओहो बस बार पर जल्दी बात है। आप इसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप क्यों देंगे? बस हमें लीडर अच्छा है, सच्चा है, इमरान खान। हैं मेरे को नहीं पता, ये अपना किया उनको, आप दिल की बात पूछिए, मैं तो बताने वाला नहीं हूँ कि मैंने किस पे वोट लगानी। सही, आप इसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान को। इंशाल्लाह। क्या वजह? नवाज शरीफ ने बोला इमरान खान के दौर में आटे का तेला 700 रुपये था, अभी नवाज शरीफ ने 3500 रुपये ले गया, मजदूर का दिहाड़ी उस टाइम था 500, मजदूर का 500 रुपये गुजारा होता था, आजकल मजदूर का 700 है, आटे का तेला 3500 के पे है, पेट्रोल का लीटर 110 पे था, अभी 250 पे हो गया, गाड़ी का करीब 1500 का था, अभी 3000 तक पहुंच गया, 1500 का मजदूर का गुजारा नहीं होते 3500 पे। वोट किसको देंगे? सारे तो छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के इमरान खान को देगा सारे छोड़ के। जिंदाबाद नवाज शरीफ नंबर नहीं होगा तो वोट खत्म करेगा, उल्टा डबल महंगा, गरीब लोग चोरी करेगा, लोग चोर हर गली में चोर शाम के टाइम खड़ा होते, लोगों का जेब काटते, गलियों में रक्षों में गाड़ियों में लोगों के सर पे पिस्टल रखते, लोगों से जबरदस्ती से पैसे छीन लेते। क्यों क्यों? महंगाई हो गया, महंगाई की वजह, महंगाई की वजह से हर गली में चोर खड़ा होते। हर किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को वोट देंगे? क्यों भाई? पसंद है, अच्छा आदमी है। आप इसको वोट देंगे? तरीके लबैक को। लबैक को? आप नॉन लीग को वोट देंगे? पीटीआई को। इसको देंगे? सब तो छोड़ के जा रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हम हमारा जो लीडर है वो तो इमरान खान है, खोते को खड़ा कर दे इमरान खान को वोट देंगे, खंबे को खड़ा कर दे हम खंबे को देंगे, जाना तो वोट बैंक इमरान खान के पास है ना, तो इमरान खान। नाज़रीन आपने यहाँ पे आज का प्रोग्राम देखा, यहाँ पे लोगों की मिली जुली राय थी, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें कि अगर अगले चंद माह में इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे,
और क्यों देंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।